हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लास ए ऑपरेशन। आपने जरूर सुना होगा क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी ऑपरेशन के बारे में। साथ में आपने सुना होगा डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, पुश पुल पावर एम्पलीफायर, कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्रिक पुश पुल पावर एम्पलीफायर एंड ट्यून्ड एम्पलीफायर, राइट? कुछ डिफरेंस है बिटवीन ऑपरेशन एंड एम्पलीफायर, तो ये बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और साथ में क्लास ए ऑपरेशन के बारे में काफी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और कॉमेंट्स दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ संजय राठी, I have qualified engineering services exam 3 times. I'm having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for ESE, GATE and PSUs. तो क्या आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप फॉलो कीजिए स्ट्रेटजी फॉर टॉप रैंक। बहुत ही सिंपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, ओके? जबकि हम लोग बनाते हैं उल्टी गंगा। कैसे? हम सबसे पहले बनाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर उसमें कुछ डाउट्स आ जाए देन क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, और अगर उसमें कुछ डाउट आ जाए तब हम लोग बनाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, तो आप थोड़ा ना थोड़ा टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बनाइए, सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स बनाइए एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए, ओके? और अगर डाउट्स आते हैं तो अपने डाउट जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि डाउट्स होते हैं, कोई भी डाउट सिली डाउट्स नहीं होता। इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस। वाकई आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9899400096 पर। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर अभी आप कहाँ हैं? तो मैं बता दूं, मैं हूँ ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अन अकेडमी, ओके? और मैं अकेला नहीं हूँ, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज अब इस प्लेटफॉर्म पर है। वाई? हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट, आपने जरूर सुनी होगी। ये मोटिवेट करते क्या, बड़े सपने देखिए, क्लास वन ऑफिसर बनना है। अगर हायर स्टडीज करना ही है तो आईआईटी जाइए, आईएससी जाइए, ओके? अगर आप सपने देखेंगे तो आपको लगेगा मेट्रो में जाना पड़ेगा। आपको अब किसी मेट्रो में नहीं जाना है, दिल्ली नहीं जाना, हैदराबाद नहीं जाना, बेंगलोर नहीं जाना, बस आप अपने घर बैठे इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, राइट? डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे और रेगुलर कोर्सेज भी लॉन्च करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021, 22 एंड 23 के लिए। वन ईयर प्रोग्राम, टू ईयर प्रोग्राम, थ्री ईयर प्रोग्राम फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर एज वेल एज फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आप जहां हैं वहीं से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, स्मार्ट वर्क करना है ना कि हार्ड वर्क। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SI10 फॉर 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ही छोटी बात है, मैं आप लोगों को दूंगा पर्सनल गाइडेंस, राइट? आप मेरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं ताकि आप अपनी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच कर सकें। ये है मेरे सब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, स्पेशल क्लासेस में अवेलेबल हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं, राइट? तो चलिए देखते हैं क्लास ए ऑपरेशन के बारे में। दिस ऑपरेशन इज वाइडली यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। आपने RC कपल्ड एम्पलीफायर का नाम जरूर सुना होगा, राइट? जिसको हम BJT से बनाते हैं। तो इसका जो इस ऑपरेशन का यूज होता है, इस ऑपरेशन की खास बात क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इस ऑपरेशन में जो हमारा क्यू पॉइंट है, राइट, ये आपके सामने डायग्राम है, हम लोग यहाँ लेते हैं VCE और यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं IC, दैट इज द ट्रांजिस्टर। ये आपके सामने एक ट्रांजिस्टर बना हुआ है, यहां हमने एक RB लगाया, राइट, और यहां हमने एक लगाया VBD। बहुत ही सिंपल सा मैंने सर्किट बनाया हुआ है, ये है VCC और यहां से एक करंट फ्लो कर रहा है ICQ और यहां है आपका VCE, दिस इज नथिंग बट VCE। और हम लोग ड्रॉ करते हैं एक DC लोड लाइन, ये है DC लोड लाइन स्ट्रेट, तो यहां कट करती है VCC पर और ये है आपका मैक्सिमम करंट, दैट इज द VCC बाई RC। DC लोड लाइन के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं ऑन DC लोड लाइन एंड स्लोप ऑफ DC लोड लाइन, राइट?
हम लोग जब क्यू पॉइंट को बिल्कुल मिडिल में सेट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लास ए ऑपरेशन, दिस इज द वीसीसी बाय 2। तो ये खास बात अबाउट क्लास ए ऑपरेशन। अब हम क्यों सेट करते हैं इन द मिडिल में, तो मैं आपको बता दूं, जब हम क्यू पॉइंट को मिडिल में सेट करते हैं तो देयर इज मिनिमम डिस्टॉर्शन। मिनिमम डिस्टॉर्शन का मतलब है अगर हमने इनपुट दिया है साइनोसॉइडल ये, तो आपको आउटपुट भी मिलेगा एग्जैक्टली साइनोसॉइडल, मतलब शेप ऑफ द आउटपुट इज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ द शेप ऑफ द इनपुट, दैट इज कॉल्ड फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ इनपुट सिग्नल, ओके, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन या मिनिमम डिस्टॉर्शन, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिडेलिटी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो क्लास ए ऑपरेशन में डिस्टॉर्शन बहुत कम आता है, ये इसकी खास बात है। साथ में पूरे साइकिल के लिए, मतलब ये आपका जो दिख रहा है ना साइकिल, ये पूरा 360 डिग्री के लिए आपका ट्रांजिस्टर कंडक्शन में होगा। इसका मतलब इसका कंडक्शन एंगल 360 डिग्री, मतलब इनपुट की किसी भी पोर्शन के लिए ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होता है, राइट। ये हो गई खास बात। अब ये है इसके एडवांटेजेस, तो ये देखिए, मिनिमम डिस्टॉर्शन, राइट, एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी। एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है इसमें थर्मल रन अवे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि थर्मल रन अवे को अवॉइड करने के लिए जो हमारा क्यू पॉइंट है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, वीसीसी बाय 2। तो यहां पर देखिए क्यू पॉइंट आपने कहां पर सेट किया हुआ है, वीसीसी बाय 2 पर, इसलिए इसमें थर्मल रन अवे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलेक्टर करंट फ्लोस फॉर 360 डिग्री ऑफ द इनपुट सिग्नल, जैसा कि मैंने पहले कहा कंडक्शन एंगल 360 डिग्री है, कभी भी ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होता किसी भी पोर्शन के लिए। दूसरा, क्यू पॉइंट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ डीसी लोड लाइन फॉर मिनिमम डिस्टॉर्शन और फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ द सिग्नल, राइट। अब इसके डिसएडवांटेज क्या 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 है, देखिए डिसएडवांटेज ऐसा है कि जब हम लोग यहां से कोई आउटपुट लेते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, अगर मैंने इनपुट दिया और अगर आपने यहां से आउटपुट लिया और आपने यहां से इनपुट दिया, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो यहां एक ICQ फ्लो हो रहा है, दैट ICQ इज नथिंग बट VCC बाय 2RC, बिल्कुल मिडिल में है ना, तो दिस इज द DC बायसिंग करंट, तो ICQ इज इक्वल टू VCC बाय 2RC, और ये वाली बैटरी एक DC पावर कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर DC पावर जा कहां रहा है, ये DC पावर इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस लॉस हो रहा है, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, ICQ इनटू VCEQ, और इस रजिस्टर के क्रॉस भी लॉस हो रहा है। तो यहां ये बैटरी एक करंट प्रोवाइड कर रही है, पावर प्रोवाइड कर रही है, और वो पावर इस ट्रांजिस्टर के क्रॉस लॉस हो रहा है। जब आप इनपुट सिग्नल लगाते हैं तो ये इनपुट सिग्नल एम्पलीफाई होके बाहर आता है, तो जो यहां पर डीसी पावर अवेलेबल है वो एसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं यूजफुल पावर कन्वर्जन, राइट। लेकिन अगर आपका डीसी सिग्नल तो है लेकिन एसी अगर नहीं है तो भी आपका पावर अवेलेबल है, तो ये पूरा का पूरा पावर ट्रांजिस्टर कंज्यूम करने लग जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पावर ड्रेन, मींस ट्रांजिस्टर इज कंज्यूमिंग मोर पावर व्हेन द सिग्नल इज अब्सेंट, और व्हेन द सिग्नल इज प्रेजेंट दिस पावर इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल पावर, ओके। तो यहां पर पावर ड्रेन की प्रॉब्लम है और इसीलिए इसकी एफिशिएंसी भी बहुत कम है, इसकी एफिशिएंसी है मात्र 25%, मतलब 25%, वो भी आइडियली पावर इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एसी पावर, प्रैक्टिकली होती है 10-15%। तो हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर एंड ट्रांसफॉर्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर, एंड दीज आर द डिसएडवांटेजेस। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए आज ही हमारा चैनल गेट एंड ईएसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10, बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, इट इज अ कॉन्सेप्ट बूस्टर। सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो आज ही गेट एंड ईएसई सब्सक्राइब कीजिए ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म विद माय कोड SR10, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट, साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस। फीस हो जाएगी ओनली 22,500 फॉर वन ईयर एंड 27,000 फॉर टू ईयर, राइट। ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर एंड HDFC डेबिट कार्ड पर, तो आज ही आइए और सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके। Oh.